नमस्कार, स्वागत है आपका माय नेशन के 100 सेकंड से। मेरा नाम है अमल चौधरी और आइए देखते हैं दिन के कुछ मुख्य समाचार। आरएसएस के नेता और दफ्तर दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के ताजा इनपुट के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह के हमले के ज्यादा खतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिकाओं पर तुरंत आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति का उत्पीड़न रोकने से जुड़े संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने इसी के साथ साफ कर दिया है कि अगर मामला पहली नजर में SC/ST एक्ट के तहत नहीं पाया गया तो आरोपी को अग्रिम जमानत मिल सकती है। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस और माकपा समेत विपक्षी दलों ने सोमवार को लोकसभा में जमकर हंगामा किया और साथ ही वॉकआउट कर दिया। 92 अकेडमी अवार्ड्स का आयोजन रविवार रात हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में हुआ। कोरियन फिल्म पैरासाइट ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। पैरासाइट ऑस्कर जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फिल्म बन गई है। महिलाओं को कमांड पोस्ट दिए जाने के मुद्दे पर सोमवार को सेना ने स्पष्टीकरण दिया। सेना के सूत्रों ने बताया कि महिला अफसरों को वह सभी उचित भूमिकाएं दी जाएंगी जो संस्थान के नजरिए से सही होंगी। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए इस हफ्ते विदेशी राजनयिकों का दल एक बार फिर राज्य का दौरा करेगा। चीन में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में अब तक 908 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 40,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। माय नेशन के 100 सेकंड फिलहाल इतना ही। ऐसे इन वीडियोस और खबरों के लिए बने रहिए माय नेशन के साथ।